हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी इंटरनल और रेशनल नंबर्स को या पॉइंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो आपको समझ में भी आ गया था, मैंने क्वेश्चन भी दिया था और वो बहुत अच्छे तरीके से हो भी गए थे। आपने मेरे को फोटो भेजी थी, काफी अच्छी बात है। आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया है। घर पे रहो, पढ़ो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन रेशनल नंबर्स को तो अपन ऐड कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट सबको आता है। रेशनल नंबर्स इन रेशनल नंबर को कैसे, 2 + 3 तो सबको आता है, इसका आंसर आएगा 5। 3 - 1 क्या आएगा, 2। या फिर 3/7 + 2/7 इसका आंसर आएगा 5/7। तो रेशनल को कर सकते हैं। इन रेशनल को कैसे करेंगे, इन रेशनल में क्या आते हैं, √6, √3, √2, √5, √7, √6 और भी बहुत सारे हैं। √6 क्या पहले ले लिया, बहुत सारे इन रेशनल नंबर्स मैं लिख ही नहीं सकता हूं। अब मैं बताता हूं एडिशन, फर्स्ट एडिशन। तो अपन ने क्वेश्चन लिया 2√6 + 3√6, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि यहां पे भी √6 है, यहां पे भी √6 है। जब आपको ऐसा दिख जाए ना कि दोनों में रूट की जो अंदर की डिजिट सेम है, तो जो उनके जो ये कोफिशियंट होते हैं ना, ये दोनों को प्लस कर दो, तब हो जाएंगे प्लस, जिसका आंसर आ जाएगा 5√6, जिसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लिया अपन ने 2√5 + 7√5, इसका आंसर क्या गया, 9√5, ठीक है। अब अपन ने एक और क्वेश्चन लिया 2√4 + 5√4, इसका आंसर आ गया 7√4। यह आंसर आ गया, अरे कैसे आ गया, 7 × 2 नहीं करोगे, 4 का तो √2 का √4 = 2 जो होता है, तो 7 × 2 क्या आ गया, 14 इसका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन मैंने लिया 6√3 + 7√5, क्या ये ऐड हो सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहां तो है रूट के अंदर 3 और यहां पे 5, तो ये कॉमन डिजिट नहीं है, इसलिए ऐड नहीं होंगे भी, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो आप नहीं होंगे। अब अपन ने क्वेश्चन लिया 6√3 + 7√2। अब आपने सोचा यहां √3 यहां √2 खत्म नहीं होगा, ऐसी छोड़ो, आंसर है ये अपना, नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। 6√3 + 7 = 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 × 3। अब क्या हो जाएगा ये 6√3 + 7 × 2√3, अरे क्यों, क्योंकि 4 सीधे तो 12 होता है, और 4√4 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, √4 भी है √3 भी है, ऐसी तो है ये, दोनों के अंदर रूट लगा दिया मैंने, बात तो वही है भाई, आ गया। अब क्या होगा ये 6√3 + 14√3, तो इसका आंसर क्या आ गया, 20√3 इज द आंसर। अब एडिशन पढ़ लिया है, एडिशन का दूसरी टर्म सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन वो वाले नहीं जो बचपन से पढ़ते हैं, इन रेशनल टर्म्स के हैं। क्वेश्चन लिया 6√2 - 4√2 क्या हो गया, ठीक है। अब वही बात, जैसे एडिशन में अपन देखते हैं कि रूट के अंदर की डिजिट कॉमन कॉमन है, और बाहर जो भी कोफिशियंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल इंटीजर्स को जैसे अपन करते हैं, वैसे ही ये हो जाएगा, ठीक है। अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 7√5 - 3√5 क्या हो गया, 4√5। थर्ड क्वेश्चन 8√3 -
टू रूट ट्वेल्व। वही वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने पिछली बार कराया था, याद करो एडिशन का लास्ट क्वेश्चन, एट रूट थ्री माइनस टू फोर इंटू थ्री। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, कई मैंने देखे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे जब रूट में प्लस की डिजिट होती है ना तो वो सोचते फोर प्लस थ्री, फोर को बाहर ले जाते हैं। मैंने कई देखे हैं ऐसे भी, पर ऐसा नहीं होता है। जब डिजिट मल्टीप्लाई में होगी तभी एक डिजिट बाहर जा सकती है, अगर प्लस में है तो कुछ डिजिट ऐसी होनी चाहिए रूट के अंदर फोर प्लस थ्री का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कर, स्क्वायर से रूट कर जाता है तब प्लस की प्लस बाहर आता है। नहीं तो ये नहीं कर सकते आप कि फोर को बाहर ले लिया और टू प्लस रूट थ्री बस रूट थ्री छोड़ दिया, ये गलत चीज है, बहुत गलत चीज है ये, ऐसा मत करना तुम। ऐसे बोलेंगे बच्चे कहां से पढ़ रहे हो, माइनस फोर बाहर आ जाएगा टू इंटू टू, अब रूट थ्री बच गया, एट रूट थ्री माइनस फोर रूट थ्री, क्या आंसर आ गया फोर रूट थ्री। अच्छा ऐसी बात और है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो सिक्स रूट टू माइनस सेवन रूट टू, तो इसका आंसर क्या जाएगा माइनस रूट टू। उसमें कोई बात नहीं है, इंटीजर सॉल्व कर रहे हो, माइनस प्लस ये सब तो चलता रहता है। अब अपन एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया है, अब अपन पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन, किसी भी दो इरेशनल नंबर्स को आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैंने क्वेश्चन दिया, मैं ही कर दूंगा ये तो सॉल्व, होमवर्क के लिए दूंगा वो तुमको करने, टू रूट थ्री मल्टीप्लाई फोर रूट फाइव। अब अपन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही मैंने बताया था कोफिशियंट, फोर टू जा एट, मल्टीप्लाई में ना तो जो कोफिशियंट होते हैं उनको तो मल्टीप्लाई कर दो, अब जो इसमें रूट का होगा ना, अब देखो तो रूट थ्री है रूट फाइव है, दोनों को मल्टीप्लाई में क्या करते हैं रूट भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये क्या जाएगा एट रूट फिफ्टीन। बात को समझो कि यहाँ पे रूट थ्री है ये रूट फाइव है, तो रूट के अंदर ही वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये मत कर देना रूट थ्री इंटू रूट फाइव, तो रूट से तो रूट कट जाएंगे, नहीं यही नहीं होगा ठीक है। पर आप तो यही ध्यान रखो कि थ्री और फाइव है तो फाइव और थ्री फिफ्टीन हो जाएंगे ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, फोर रूट फोर इंटू, चलो ये नहीं लेते, रूट सेवन और फाइव रूट थ्री, इसका क्या जाएगा ट्वेंटी रूट ट्वेंटी। ट्वेंटी कैसे लिखा, फाइव फोर जा ट्वेंटी, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, रूट के अंदर रूट ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, लेट से थ्री रूट फाइव इंटू सेवन रूट इलेवन, सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन रूट फिफ्टीन, ये आपका फाइनल आंसर। एक और थ्री रूट फोर रूट सिक्स इंटू फाइव रूट थर्टी, ठीक है ये आपका क्वेश्चन है। अब करते हैं इसको सॉल्व, कैसे होगा, ये क्या है रूट थर्टी सिक्स, तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है सिक्स, थ्री रूट सिक्स इंटू थर्टी, एंड ये इससे मल्टीप्लाई होगा नाइनटी,
इसके साथ कुछ भी नहीं है, रूट की डिग्री तो बस यही आ जाएगी रूट सिक्स, ये आपका आंसर। अब मैं आपको घर से करने के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, करने पूरा दिमाग से करने, थोड़ी सी ट्रिकी भी दूंगा और मेरे को फोटो सेंड करनी है, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, इनमें क्या है आप कोशिश ये करना कि ये जो रूट के अंदर की डिजिट है ना, इसको जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना करना, ठीक है, उससे हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। तो ट्राई करना है और मेरे को फोटो भेजनी है, ठीक है।